तो हमने जो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर स्टार्ट किया है। लेक्चर 1 में हमने हेरिडिटी एंड वेरिएशन के डेफिनेशंस को समझा है। लेक्चर 2 में हमने जो है वो क्रोमोसोम्स की स्टडी की है कि क्रोमोसोम्स क्या है और कैसे वो जो है वो फंक्शंस कंट्रोल करता है। अब लेक्चर 3 में हम जो है वो डीएनए के बारे में देखेंगे। आप सबको डीएनए का फुल फॉर्म तो ज़रूर पता होगा, उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि जो हमारा डीएनए है ये इसको डिस्कवर किसने किया था, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं और ये कैसे जो है वो मेजर रोल प्ले करता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म मैंने आपको जैसे बताया डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो सबसे पहले ये डीएनए में सबसे पहले कौन सी चीज़ जो है वो डिस्कवर की गई थी जिससे उसका नाम पड़ा? तो इसके अंदर सबसे पहले जो एसिड थी उसको किसने डिस्कवर किया था? स्विस के बायोकेमिस्ट थे वो, स्वेडन के, लेकिन उन्हें स्विस बायोकेमिस्ट जो है वो कहा जाता था। उसके बाद हमने देखा कि एक और साइंटिस्ट, आपने देखा मतलब एसिड को जो है वो स्विस बायोकेमिस्ट ने डिस्कवर किया। उसके बाद 1869 के दौरान जो है वो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मीजर या बायोकेमिस्ट, जो उस वक्त जो है वो WBCs की स्टडी कर रहे थे, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो स्टडी कर रहे थे उस वक्त। तो इनिशियली क्या रिपोर्ट किया गया, जब फ्रेडरिक मीजर जिस वक्त वो वाइट ब्लड सेल्स की स्टडी कर रहे थे तो उस वक्त ये रिपोर्ट किया गया कि जो एसिड है ना ये खाली न्यूक्लियस में है। मतलब ये देख लीजिए हमारा सेल है, इस सेल के अंदर जो है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। इसका स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताई हूँ, ये सेल है और ये जो है वो हमारा न्यूक्लियस है। तो ऐसा रिपोर्ट किया गया इनिशियली, और फ्रेडरिक मीशर ने ऐसा कहा जब वो मतलब कि जो हमारी एसिड है वो जो है वो खाली न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, खाली न्यूक्लियस के अंदर वो एसिड प्रेजेंट है, जिस वजह से इस डीएनए का नाम जो है न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। स्टार्टिंग में इनिशियली वो एसिड को हम जो है वो फिर न्यूक्लिक एसिड कहने लगे। धीरे धीरे बाद में पता चला कि नहीं, खाली न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होती है ये एसिड, बल्कि सेल के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे है भी, हाउ एवर इट वॉज लेटर रियलाइज दैट इट इज़ प्रेजेंट इन अदर पार्ट ऑफ द सेल्स टू। उसके बाद जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, वायरसेस में, बैक्टीरिया में और ह्यूमन बींग्स में भी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो डीएनए है इसका फंक्शन क्या है, मतलब ये क्या कंट्रोल करता है। तो इसका फंक्शन ये है कि ये कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड डिविजन्स ऑफ सेल एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज मास्टर मॉलिक्यूल्स। डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं ग्रोथ और सेल डिविजन्स को वो कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम जो है उन्हें मास्टर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अभी हमने देखा कि उसके मॉलिक्यूल्स मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, वायरसेस में, बैक्टीरिया में, ह्यूमन बींग्स में। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो सब में सेम होते हैं। वो बात दूसरी है कि वायरसेस में डीएनए का दूसरा टाइप होता है आरएनए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि डीएनए का हमने तो देख लिया कि उसका नाम कैसे पड़ा, उसके फंक्शंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है कि वो ग्रोथ एंड सेल डिविजन्स को कंट्रोल करता है। उसको स्विस बायोकेमिस्ट ने एसिड्स के थ्रू मतलब उन्हें नाम दिया। उसके बाद फ्रेडरिक मीजर आए थे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये है कैसा। तो उसको जो है 1953 के अंदर वॉटसन एंड क्रिक करके दो साइंटिस्ट थे 1953 में, जिन्होंने डीएनए का जो है वो स्ट्रक्चर बताया कि किस तरीके का है वो। तो हम देखेंगे कि उन्होंने कहा कि मॉडल बनाया डीएनए का जो है, उन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूल्स का एक मॉडल बनाया 1953 में। एज पर दिस मॉडल, उस मॉडल के हिसाब से दो पैरेलल थ्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइट्स क्या है उसके बारे में मैं आपको जो है वो डिटेल में आगे बताऊंगी। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि डीएनए के अंदर जो है हमारे उसके स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होता है, शुगर होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। और तो उस मॉडल के हिसाब से मतलब वॉटसन एंड क्रिक जो उन्होंने बताया था 1953 में, उस मॉडल के हिसाब से हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, दो पैरेलल थ्रेड्स है। मतलब उसका जो है आपको फोटो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे अभी के लिए। तो दो पैरेलल थ्रेड्स, और आप अपनी टेक्स्ट बुक भी रिफर कर सकते हैं। 1953 के हिसाब से हमारे जो साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल का मॉडल जो है वो प्रोड्यूस किया था। तो उनके हिसाब से हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो मॉडल था वो कैसा था, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किसने बताया है, वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बताया। यहाँ पे खाली क्रिक लिखा है लेकिन उनका पूरा नाम जो है वो फ्रांसिस क्रिक है। उसके बाद उस मॉडल के हिसाब से हमारे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, दो पैरेलल थ्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बताया, न्यूक्लियोटाइड्स बताया है कि नाइट्रोजनस बेस रहता है, शुगर रहता है और एक फॉस्फेट ग्रुप रहती है, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हट जाती है। तो ये दोनों जो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, दो पैरेलल थ्रेड्स है, मीन्स ऐसा है, ये समझ लीजिए दो पैरेलल जो है वो ऐसे थ्रेड्स जैसा है इसका स्ट्रक्चर, और ये कैसे कॉइल्ड है। कॉइल मीन्स ऐसे मिक्स है। आपने देखा होगा कि जो ब्रेड्स होते हैं, गर्ल्स के जो ब्रेड्स होते हैं वो कैसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉइल सा, वैसा।
और उसके बाद द अरेंजमेंट इज कॉल्ड डबल हेलिक्स। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, ये जो डीएनए के दो, ये डीएनए के क्या है, दो पैरेलल थ्रेड्स जैसा स्ट्रक्चर है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद वी कैन कंपेयर, तो यहाँ पे जो हमारे दो साइंटिस्ट हैं ना, वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना उसको किससे कंपेयर किया था, कि आप जो है वो कॉइल स्ट्रक्चर को और एक फ्लेक्सिबल लेडर को उन दोनों ने जो है वो कंपेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, दो पैरेलल थ्रेड लाइक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। और ये जो फ्लेक्सिबल लैडर का मतलब क्या होता है, हमारे जो नाइट्रोजन के बेस होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं, वो यहाँ पे ऐसे ना सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर, आपके सीढ़ी आपने देखी होगी, लैडर उसे कहते हैं, वैसा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बन जाता है। तो इसे जो है वह हम फ्लेक्सिबल लैडर कहते हैं। ऐसा जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। ओके, अब हम जो है वो न्यूक्लियोटाइड देखेंगे। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में, थोड़ा सा हिंट मैं आपको फिर दे देती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होती है और एक फॉस्फेट की ग्रुप होती है। वहीं पे जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है ना, उसके अंदर आप क्या करो, खाली फॉस्फेट का ग्रुप हटा दो, अब तभी भी न्यूक्लियोटाइड और साइड में कन्फ्यूजन होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, न्यूक्लियोटाइड, टाइड में टी आता है, तो आप ऐसे कर सोच सकते हो कि हाँ थ्री, तो थ्री में आपका नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आ जा रही है। और अगर आपको एक याद है तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ओके, तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम क्या देख रहे हैं। हमारा जो डीएनए होता है, हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, मैंने आपको बताया था वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जिसको प्रोड्यूस किया था डीएनए का मॉडल, उस हिसाब से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैरेलल होता है और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा जो डीएनए होता है ना, जैसे समझ लो ये मेरा डीएनए है, तो ये जो है ना हमारा जो डीएनए है, ये छोटे छोटे उससे बना होता है। हमारा डीएनए किससे बना होता है, छोटे छोटे स्ट्रैंड से, ये हमारा डीएनए, तो छोटे 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 यहाँ पे जो है वो स्ट्रैंड्स होंगे, जिन्हें हम जो है वो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ईच स्ट्रैंड इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। डीएनए का जो स्ट्रैंड, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है, मतलब ये जो हमारे डीएनए का स्ट्रैंड है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिसे हम जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और आपको तो पता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अब ये न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमने क्या देखा, नाइट्रोजन बेस देखे, शुगर देखे और फॉस्फेट ग्रुप देखे। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन बेस के अंदर होता क्या है, मतलब मैं आपको कब से जो है वो नाइट्रोजन बेस बता रही हूँ, तो पर इस नाइट्रोजन के अंदर क्या है। तो नाइट्रोजन बेस के अंदर चार टाइप्स का होता है नाइट्रोजन बेस। पहला जो है वो क्या है, एडेनाइन हमारा पहला नाइट्रोजन बेस है, गुआनाइन, थायमाइन एंड साइटोसाइन। कितने तरीके के नाइट्रोजन बेस है हमारे पास, चार तरीके के हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन एंड साइटोसाइन। अब हम देखेंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का जो स्ट्रक्चर होता है, अब मैंने आपको क्या बताया न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ओके, तो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरस एसिड आर ई जॉइन टू अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ये समझ लीजिए ये हमारा नाइट्रोजन का बेस है, ये हमारा नाइट्रोजन का बेस है और हमारी जो फॉस्फोरस एसिड है, और फॉस्फोरस जो एसिड है, और हमारी जो फॉस्फोरस एसिड है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरस एसिड, ये दोनों कैसे ज्वाइंट होती है, शुगर की मदद से जो है ये ज्वाइंट होती है, शुगर मॉलिक्यूल की मदद से जो है वो ज्वाइंट होती है। आपको डीएनए का फुल फॉर्म पता ही होगा, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज कुछ और नहीं बल्कि एक शुगर है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस किसकी मदद से ज्वाइंट हो रहे हैं, शुगर की मदद से यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं। उसके बाद एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन। एक और पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि जो हमारे एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन एंड साइटोसाइन है, तो एडेनाइन मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ए का मतलब एडेनाइन है, जी का मतलब गुआनाइन है। तो ये जो हमारे ए और जी हैं, ये फॉर्म करते हैं प्यूरीन्स। क्या फॉर्म करते हैं, ओके, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि जो हमारा नाइट्रोजन बेस है, एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, ये एक और चीज़ जो है वो फॉर्म करता है, जिसे हम प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स कहते हैं। अब आप कहेंगे कि प्यूरीन्स क्या होता है, पिरिमिडीन्स क्या होता है, तो हम देखेंगे कि प्यूरीन्स के अंदर क्या चीज़ आती है, ये चारों में से कुछ प्यूरीन्स के अंदर आएंगे और कुछ जो है वो पिरिमिडीन्स के अंदर आएंगे। तो प्यूरीन्स के अंदर क्या आएगा, प्यूरीन्स के अंदर एडेनाइन, गुआनाइन, ये ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर गुआनाइन। एडेनाइन और गुआनाइन क्या बनाते हैं, प्यूरीन्स बनाते हैं। और जो हमारा थायमाइन, टी फॉर थायमाइन और सी फॉर साइटोसाइन, ये क्या बनाता है, ये बनाता है पिरिमिडीन, ये क्या बनाता है, पिरिमिडीन। तो एक हिंट मैं आपको ये दे सकती हूँ यहाँ पे कि आप प्यूरीन्स को और पिरिमिडीन्स को जो है वो कैसे याद रखेंगे। तो ए जी में क्या है, ऑल गॉड्स आर प्योर,
ऑल गॉड्स आर प्योर, यहाँ पे आपको एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, ऑल गॉड्स, क्या पढ़ लिख दी, ऑल गॉड्स आर प्योर। तो ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर गुआनाइन, और ये प्योर से आपको याद रहेगा कि ये प्यूरिन्स है। तो ए जी एडेनाइन गुआनाइन क्या है, प्यूरिन्स है, और थायमाइन साइटोसाइन क्या है, पिरिमिडिन्स है। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज इन अ लाइक अ चेन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब हमने देखा है न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो हम डीएनए खास करके पढ़ रहे हैं, क्या क्या है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और हमारा शुगर। तो ये कैसे मतलब किस तरीके से ये अरेंज है, तो ये जो है वो चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज लाइक अ चेन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर, डीएनए का जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर ये चेन की तरह जो है ये हमारे अरेंज होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे अरेंज होते हैं, चेन की तरह अरेंज होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद हम देखेंगे, आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जो है वो मॉडल बनाया था, मतलब कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो वहाँ पे क्या बताया था कि हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हमने किससे कंपेयर किया है, एक फ्लेक्सिबल लैडर, यानी कि हमने जो है वो लैडर से उसे कंपेयर किया है। यहाँ पे क्या है, टू थ्रेड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कंपेरेबल टू द टू रेल्स ऑफ अ लैडर एंड ईच रेल इज मेड अप ऑफ अ अल्टरनेट। देखो मैं आपके अभी आपको आप ये सेंटेंस पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गौर करो, टू थ्रेड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के जो हमारे दो थ्रेड्स हैं, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये जो है वो क्या है, हमारे डीएनए के थ्रेड्स हैं। ओहो, ये जो है वो क्या है, हमारे डीएनए के, ये जो ये सब क्या है, डीएनए के हमारे थ्रेड्स हैं। तो डीएनए के जो दो थ्रेड्स हैं, थ्रेड के डीएनए मॉलिक्यूल्स के जो दो थ्रेड्स हैं, उन्हें हमने जो है वो कंपेयर किससे किया, दो रेल्स ऑफ अ लैडर। अब लैडर क्या होता है, सीढ़ी होती है, तो उसको हमने जो है वो किससे कंपेयर किया, रेल से कंपेयर किया है। ये ऐसा 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 जो है, ये कुछ और नहीं, ये जो है वो रेल्स की, आपने रेल्स का मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा रेलगाड़ी हम ऐसे कहते हैं, तो शायद नीचे जो ऐसा ऐसा रहता है नीचे जिस पे गाड़ी हमारी ट्रेन हमारी चलती है, तो शायद उसको हमने, इसको जो है हमने रेल से कंपेयर किया है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि डीएनए के जो डीएनए मॉलिक्यूल्स के जो दो थ्रेड्स हैं वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम दो रेल्स ऑफ लैडर से, ये रेल्स ऑफ लैडर से हम जो है वो डीएनए थ्रेड्स को कंपेयर कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा डीएनए है, ये हमारे डीएनए की थ्रेड्स हैं, और इसे हम जो है वो रेल ऑफ अ रेल लैडर कह रहे हैं, ठीक है, इसे हम जो है वो रेल लैडर कह रहे हैं। और ये अल्टरनेटली जॉइंड होते हैं बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो है ना अल्टरनेटली जॉइंड होते हैं, अल्टरनेट मीन्स एक छोड़ के ऐसे करके, तो ये जो है वो किससे अल्टरनेटली जॉइंड होते हैं, बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से ये अल्टरनेट जॉइंड करते हैं। ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल है और हमारा फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड्स, ये जो हमारे शुगर शुगर के मॉलिक्यूल्स, आधी बात नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, शुगर के मॉलिक्यूल्स और फॉस्फोरिक एसिड, शुगर के मॉलिक्यूल्स और जो हमारी फॉस्फोरिक एसिड है, ये क्या करती हैं, अल्टरनेटली जॉइंड होती हैं हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल से और लैडर के रेल से, क्या होती हैं, अल्टरनेटली। किससे जॉइंड होगी, हमारे थ्रेड ऑफ डीएनए, आई नो ये थोड़ा मैसी है बट आप समझो, यहाँ पे जो है वो बहुत ही क्लियरली लिखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैसी हो गया, तो आप इसे प्लीज इग्नोर करना, आप बस समझिए कि मैं बताना क्या चाहती हूँ, कि जो डीएनए के थ्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। डीएनए के जो थ्रेड्स हैं, जो डीएनए का आपको स्ट्रक्चर पता है कैसा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जो है वो उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है, आप डायग्राम से समझिए, क्या है हमारे डीएनए के थ्रेड्स हैं, ये हमारे डीएनए के थ्रेड्स हैं, ये हमारे लैडर का रेल है, और ये जो सारी चीज़ें ना ये अल्टरनेटली जॉइंट होती है। अब इन्हें जॉइंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा, अभी कैसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनानी है, आप जो है डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं, पर अभी आपको यही बता रहा है कि कुछ कुछ कंपोनेंट्स बता रहे हैं जो डीएनए को जो है वो जॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटली जॉइंट होंगे हमारे फॉस्फोरिक एसिड और शुगर, शुगर के मॉलिक्यूल्स, शुगर के मॉलिक्यूल्स लगेंगे और फॉस्फोरिक एसिड लगेंगे, वो दोनों जो है वो अल्टरनेटली जॉइंट करेंगे हमारे डीएनए के थ्रेड को और रेल लैडर को। उसके बाद हम देखेंगे, ईच रंग ऑफ लैडर इज अ पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस जॉइन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद ये जो हमारा लैडर होता है ना, ये जो हमारा लैडर, ये क्या है,
ये डीएनए का थ्रेड है, मतलब ये डीएनए का थ्रेड वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारे रेल ऑफ लैडर है। तो ये जो लैडर है ना, ये जो लैडर है ये वाला, ये भी किसी चीज़ से जॉइंट है, और ये किसी चीज़ से जॉइंट है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? हाइड्रोजन के बॉन्ड से जो है ये जॉइन है। तो आपने क्या देखा कि जो हमारे डीएनए का थ्रेड, डीएनए का थ्रेड और रेल ऑफ लैडर, डीएनए का थ्रेड और लैडर का रेल, रेल ऑफ लैडर आप कंफ्यूज तो नहीं होना, लैडर मीन सीढ़ी होती है। और ऐसा ऐसा जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई हूँ, ऐसा ऐसा देखिए, ऐसा ऐसा ये जो है हमारा रेल ऑफ लैडर है। तो डीएनए का थ्रेड और लैडर का रेल, ये दोनों जो है वो अल्टरनेटली किससे जॉइंट होते हैं? अल्टरनेटली जॉइंट होते हैं हमारे शुगर एंड फॉस्फोरिक मॉलिक्यूल से, फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के मॉलिक्यूल से अल्टरनेटली जॉइंट होते हैं। वहीं पे जो हमारे ये लैडर हैं, ये जो दो हमारे लैडर हैं, ये जो इनके जो रंग्स हैं, ये किससे जॉइंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये लैडर्स जो है वो साथ में ऐसे प्लेस्ड हैं एक दूसरे के, तो ये किसकी मदद से जॉइंट है? ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जॉइंट है। तो आप प्लीज़ जब ये पढ़ेंगे तो एक बार जो अपनी टेक्स्ट बुक रेफर कर लेना और लेक्चर देख लेना, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि काफ़ी मैसी हो गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली पॉइंट्स में लिखा है। अगर आप वीडियो समझेंगे तो आपको ये लिखा हुआ चीज़ जो है वो ज़रूर समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो जीन्स पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आप जो है वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन के प्लेलिस्ट को जो है वो ज़रूर चेकआउट करना, और थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।